Varanasi, one of the ancient cities of the world, the city that leads humanity to enlightenment, the center of learning and civilization for over 3,000 years, the symbol of India's antiquity, traditions, energy and dynamism. Today, the ancient city of Kashi is still holding to its roots and at the same time, embracing the developments of the 21st century. विकास तो चल ही रहा है हर जगह पे बनारस के कोने कोने में चल रहा है पूरा बनारस तक एकदम विकास ही विकास है बनारस is on the cusp of change. The old city is undergoing a paradigm shift and a modern facelift. The ghats are cleaner, roads are wider, gullies are prettier, and the holy Ganga silently witnesses the changing face of Kashi with each passing year. Kashi Banaras mein bahut improvement hua hai. Pehle yahan pe ganda hokar pada hota tha. अभी 2018 के बाद 19 और 20 से मतलब बहुत चेंजेस हुआ है पहले तो एक दिन में शायद दो दिन में चार दिन में एक बार झाड़ू लगते थे घाटों पे अभी तो क्या है सुबह और शाम दोनों टाइम अलग अलग झाड़ू लगाया जा रहा है घाटों पे सफाई करने लाइक पहले जब भी लोग आते थे तो बोलते थे कि लाइक अगर बनारस कानपुर जाओगे तो सिर्फ गंदगी दिखेगी बट अभी ऐसा कुछ नहीं है ऑल्सो देयर इज अ मच देयर मच फ्यूअर पावर कट्स इन द सिटी हम गए थे काशी विश्वनाथ दर्शन करने तो उसका तो पूरा नक्शा ही बदल गया पहले पैर रखने का जगह नहीं होता था छोटी छोटी गलियों से यात्री लोग जो है जाते थे बाबा का दर्शन करने के लिए तो बहुत तकलीफ होता था परेशानियां उठानी पड़ती थी अभी क्या है कि मंदिर का इतना बड़ा स्वरूप कर दिया गया है कि आदमी आराम से जाए मंदिर में बैठे दर्शन करे तो बदलता हुआ बनारस हम देख रहे हैं I think the roads are much better now. इन्होंने एक नंबर भी दिया है वुमेन सिक्योरिटी का अगर वाराणसी में बहुत सारे पुलिस भी ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं जितना पहले नहीं था हमारी सिक्योरिटी के लिए पहले हम लेट नाइन इवन देन 10 o'clock तक हमें घर जाना होता था पर अब ऐसा नहीं है अब बहुत चहल पहल भी रहती है एजुकेशन में तो बहुत ही अच्छा चेंज आया है लाइक मैंने पहली बार स्मार्ट स्कूल का कंसेप्ट देखा गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइक देयर इज दिस स्कूल नियर बाय माय हाउस कॉल्ड मछुदरी स्मार्ट स्कूल वो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से भी बेटर लगता है इतना भीड़ हो जा रहा है घूमने वालों का सैलानियों का कि पूछिए मत जहाँ पे भी देखेंगे पूरा नाव आरती के टाइम भरा पड़ा रहता है घाट भरा पड़ा रहता है तो यहाँ के लोग जो हमारे टाइप के लोग जो बोट चलाते हैं वो कुछ कमा ले रहे हैं बढ़िया सा और जो हमारे यहाँ लोकल जो थे पीपल्स जिनको वर्किंग के लिए जो मेनली गाइड वगैरह थे और ये टूरिस्ट के लिए उसकी भी बहुत अर्निंग अच्छी हो गई है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है काशी इज मूविंग टुवर्ड्स द एरा ऑफ डेवलपमेंट विदाउट लूजिंग इट्स एसेंस इट्स वैल्यूज इट्स संस्कृति तो यहाँ एक अलग सी फीलिंग तो आती है कि मतलब हम ऊपर वाले से सीधा डायरेक्ट जुड़ते हैं अपने शहर में दिल्ली गुड़गांव में वो फीलिंग नहीं आ सकती जो यहाँ पे आ सकती है दिस इज द रियल इंडिया एज मार्क ट्वेन सेड एंड इट्स द बेस्ट सिटी लाइक इट्स हिस्टोरिकल एंड द बेस्ट कोई ना पूछे कि काशी कैसा है यहाँ पर जो आएगा वो खुद मस्त हो जाएगा देखकर कि काशी कैसा है काशी सबसे अलग है सबसे न्यारी है सबसे प्यारी है काशी वो है जहाँ जागृति ही जीवन है काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है